सीधे चलेंगे अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक, क्या कहेंगे आप इस पर? जस्टिन ट्रूडो जो हैं, वो लगता है शिष्टाचार की सारी सीमाएं भूल गए हैं, डिप्लोमेसी से उनको कोई मतलब नहीं है, अपना एजेंडा सेट करते जा रहे हैं। देखिए, वो सिर्फ अपनी जो घरेलू राजनीति है उसको एड्रेस कर रहे हैं। वहां जो रिप्रेजेंटेशन है इंडो कनाडियन जो सिख हैं, जिनका कि पंजाब से ताल्लुक है, उनके अपने मंत्रालय में खुद वहाँ के रक्षा मंत्री हैं, तो वो उसी को एड्रेस कर रहे हैं। और बड़ी बात ये, वो जिस शांतिपूर्ण विरोध की बात कर रहे हैं, खुद कनाडा में उनके खिलाफ विरोध कई मुद्दों पर चल रहा है, और जिन मुद्दों का वो भारत में समर्थन कर रहे हैं उन्हीं मुद्दों का WTO में जाके विरोध कर रहे हैं। वहाँ पर वो सब्सिडी के खिलाफ बातें करते हैं, WTO में जाकर वो MSP के खिलाफ बातें करते हैं, और भारत के संदर्भ में वो उन्हीं बात को दूसरे परिप्रेक्ष्य में दोहरा रहे हैं। तो ये उनका उनकी डोमेस्टिक राजनीति है, उसको एड्रेस करने के लिए पूरी उनकी कवायद चल रही है। आप जो बता रहे हैं, लेकिन अभिषेक, इसका अगर डिप्लोमेसी के लिहाज से देखा जाए तो क्या इंपैक्ट आप देख रहे हैं? और मैं चाहूंगा हमारे खास मेहमान जो है उनको भी जोड़े यहाँ पर। अभिषेक, वेरी क्विकली, देखिए, ये उन्होंने पहली बार नहीं किया है, इसके पहले भी वो इस तरह के बयानबाजी कर चुके हैं। तो भारत उसको लगातार, उनको जो डिप्लोमेटिक चैनल है उसके जरिए उनको जवाब दे रहा है। दूसरी बात यह कि कनाडा वैसे ही अलग थलग पड़ गया है, कोई और दुनिया की ताकत उसके साथ इस मुद्दे पर खड़ी नहीं हुई है, क्योंकि ये एक स्थापित नीति है कि किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। तो अपने आप में वो अलग थलग पड़ गए हैं, वो दिख रहा है, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। आप जो बता रहे हैं, सीधे अभिषेक अपने दर्शकों को लेकर चलूंगा, मेरे साथ बने रहिए। आइए जरा बिग बॉल पर आपको दिखाएं, ये डिप्लोमेटिक अगर मूव के लिहाज से देखा जाए तो उनकी इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अच्छा होगा, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने एक सेल्फ गोल मार लिया है, रिलेशंस के लिहाज से तो गलत नहीं होगा। जस्टिन ट्रूडो, ये देखिए आप, ट्रूडो की टेढ़ी चाल, भारत का जवाब 30 नवंबर, स्थितियां चिंताजनक हैं और हम सभी अपने परिवार और दोस्तों को लेकर फिक्रमंद हैं, जस्टिन ट्रूडो ने कहा। इसको जूम इन करें जरा प्लीज सतपाल जी, यहां पर बहुत नीचे ग्राफिक से देखें, ये इन्होंने कहा कि हालात जो है वो चिंताजनक हैं और हम परेशान हैं। जस्टिन ट्रूडो ने कहा भारत का आंतरिक मामला है, जस्टिन ट्रूडो इस पर कॉमेंट कर रहे हैं, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें प्लीज तेजी से और जूम इन करें इसको, स्थिति चिंताजनक है और हम सभी अपने परिवार और दोस्तों को लेकर फिक्रमंद हैं। जस्टिन ट्रूडो के इस बयान के बाद अगली चीज, 2 दिसंबर, ट्रूडो के बयान को बयान अधकचरा और सच्चाई से बिल्कुल परे है। ये देखें आप, सच्चाई से बिल्कुल परे, भारतीय विदेश मंत्रालय का एक कमेंट है, जरा दिखाएं इसको जूम इन करके सतपाल जी, जरा तुरंत ये ट्रूडो का, ये देखिए भारतीय किसान आंदोलन पर जब कनाडा अपनी दखल देने की कोशिश करे तो क्या होता है, ये आपके सामने। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो यहां पर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या हुआ, कनाडा के पीएम का बयान गैर जरूरी और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है। मेरे साथ सीधे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, मैं उनके पास चलूंगा। हर्षवर्धन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा अभी के जो हालात हैं, कनाडा जो कुछ भी कर रहा है, क्योंकि इसके बाद मेरे पास बड़ी खबरें आ रही है, मैं उस पर जा रहा हूं। कनाडा का जो स्टैंड आ रहा है वो अपनी लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहा है, लेकिन भारत के आंतरिक मामलों में दखल कर रहा है। देखिए निशान, सिर्फ भारत के आंतरिक मामलों में दखल का मसला नहीं है, मसला यह है कि क्या किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को इस तरह का व्यवहार करना चाहिए। और ट्रूडो ने जो कुछ भी किया है पहले भी, और यही वजह रही कि जो भारत और कनाडा के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते थे, बहुत कई मामलों पर दोनों देश एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे थे, जब से ट्रूडो आए हैं लगातार उनकी जो हरकतें हैं, और खास करके वो एक सेंटिमेंट एनकैश करने की कोशिश करते हैं, जो सेंटिमेंट उनके यहां शायद उनको लगता होगा कि उनकी लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी का मसला है, लेकिन भारत की आंतरिक सुरक्षा को सीधे तौर पर खतरा पहुंचाता है। और उस तरह के आंदोलन को अगर वो समर्थन दे रहे हैं, और खास करके किसान आंदोलन के बहाने वो उसको हवा दे रहे हैं, तो ये ज्यादा खतरनाक हो जाता है। मुझे लगता है कि राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर ट्रूडो का जो मैच्योरिटी है, जो गंभीरता है, उस पर ज्यादा बड़े सवाल खड़े होते हैं। जी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।